दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में जो कि सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों यहां आपको जानने को मिलेगी डॉग्स की ब्रीड के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशंस और डॉग्स से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर कॉली डॉग ब्रीड के बारे में जो कि सारी दुनिया में एक फेमस और एक पॉपुलर डॉग ब्रीड है जिसे काफ़ी लोग जानते पहचानते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके बेसिक अपीयरेंस की तो ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसका वेट होता है 14 से 20 किलोग्राम और अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो वो होती है 48 टू 56 सेंटीमीटर। बॉर्डर कॉली का कोट जो है वो स्मूथ और डबल कोटेड होता है, इसके काफ़ी घने और लंबे बाल होते हैं। अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के कलर के बारे में तो ये आपको कई बार बाई कलर और कई बार ट्राई कलर में देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि आपको एक ही डॉग में दो कलर या फिर कई बार तीन कलर देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं तो कभी कभी ब्लैक वाइट और टैन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सीधे तौर पर बात करें तो ये आपको कई सारे कलर्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर इस डॉग ब्रीड के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये कभी कभी 10 साल और कभी कभी 16-17 साल तक भी ज़िंदा रह जाते हैं। बॉर्डर कॉली का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से माना जाता है। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड किया गया था हर्डिंग पर्पस से, यानी कि भेड़ों और गायों को एक साथ झुंड में बनाए रखने और उन्हें चराने के लिए। अभी भी बॉर्डर कॉली का इस्तेमाल एज अ हर्डिंग डॉग ही होता है। अगर आप एक बॉर्डर कॉली को अपने घर में एज अ वॉच डॉग रखना चाहते हैं तो ये आपका एक थोड़ा गलत फैसला साबित हो सकता है। ये वॉच डॉग की कैटेगरी में उतने अच्छे नहीं उतरते हैं, मगर जैसा कि हम जानते हैं ये एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है तो आप इसे कुछ भी आसानी से सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर कॉली के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये एक बहुत इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड को स्मार्टेस्ट डॉग ऑफ द वर्ल्ड या फिर इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनली कॉरेंस की एक किताब इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स में इस डॉग ब्रीड को स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड का दर्जा हासिल हो चुका है। बॉर्डर कॉली की आंखें इसे दूसरी डॉग ब्रीड से काफ़ी अलग बनाती है। इनमें हस्कीज की तरह एक कंडीशन पाई जाती है जिसको हेट्रोक्रोमिया कहते हैं, जिस कंडीशन के चलते कई डॉग्स में दोनों आँखों का कलर डिफरेंस होता है। जैसे एक आँख का कलर ब्राउन होता है तो दूसरी आँख का कलर ब्लू होता है। अगर बॉर्डर कॉली के ईयर्स यानी कि कानों की बात करें तो इस डॉग ब्रीड में हमें तीन प्रकार के कान देखने को मिल जाते हैं। एक तो जो कि फुली इरेक्ट होते हैं यानी कि पूरे खड़े होते हैं, दूसरे जो फुली ड्रॉप्ड होते हैं यानी कि पूरे नीचे लटके हुए होते हैं, और तीसरे जो कि सेमी इरेक्ट कहलाते हैं जो कि आधे खड़े और आधे लटके हुए होते हैं। ये कोई ज़्यादा ख़ास फैक्ट तो है नहीं, बट फिर भी सोचा तो बता दिया। बॉर्डर कॉली एक एक्सट्रीमली एनर्जेटिक और एक एथलेटिक डॉग ब्रीड है जिनको रोज़ एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इन्हें रोज़ एक्सरसाइज करवाएं जिससे इनकी फ़िज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बरकरार रहेंगी। अगर बॉर्डर कॉली के पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो ये डॉग शोज़ और डॉग कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है। चूँकि हम जानते हैं कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है तो ये सारे स्टंट्स आराम से सीख जाते हैं, इसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। बॉर्डर कॉली के नाम में जो कॉली शब्द है उसका मतलब होता है शीप डॉग। जब बॉर्डर कॉली को पहली बार ब्रीड किया गया था तब इसे स्कॉच शीप डॉग के नाम से जाना जाता था। कई बार लोग ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और बॉर्डर कॉली को एक ही डॉग ब्रीड समझते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। एक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक अलग डॉग ब्रीड है और बॉर्डर कॉली एक अलग डॉग ब्रीड है। हाँ, ये अपीयरेंस में थोड़े सेम दिखते हैं मगर इन ये दोनों एक काफ़ी अलग डॉग ब्रीड है। बॉर्डर कॉली को आप एक ठंडे माहौल में और एक गर्म माहौल में दोनों में आसानी से रख सकते हैं। ये दोनों ही माहौल को अपने अंदर अडॉप्ट आसानी से कर लेते हैं और वहाँ पर बिल्कुल आसानी से रह लेते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स बॉर्डर कॉली के बारे में। ऐसे ही डॉग ब्रीड्स के बारे में फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।